जी, सवाल ये आया है कि अगर किसी की कुर्बानी का जानवर जो है वो मर जाए या वो भाग जाए या वो चोरी हो जाए तो फिर वो क्या करे। असल बात ये है कि जी, कुर्बानी का ताल्लुक तो सारे का सारा उसकी माली इस्तेतात के साथ है। अगर वो शख्स उस जानवर के चोरी होने, मरने या गुम होने या भाग जाने के बावजूद माली इस्तेतात इसके बावजूद रखता है तो फिर उस पर कुर्बानी वाजिब है और उसको फिर भी कुर्बानी कर देनी चाहिए। लेकिन अगर इस सानहे के हो जाने के बाद अब उसकी जेब एक दूसरी कुर्बानी की इजाज़त नहीं देती तो फिर बहरहाल उसके इस्तेतात के ना होने की वजह से उसके लिए कुर्बानी फ़र्ज़ नहीं रहेगी। और अगर वो ना भी करे तो अल्लाह सुबहाना ताला के हजूर इंशाअल्लाह ताला वो रहमान, वो रहीम, वो कदरदान रब उसकी पिछली ही को अपने शाकिर रब जो है वो अपने यहाँ ज़रूर ही कबूलियत का दर्जा दे देगा।